हाय, गुड इवनिंग गाइस। आप सब कैसे हैं? मस्ती में है ना? फटाफट बताइए आप लोग कैसे हैं। जो हम लोग आप भी बात करेंगे, आज भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। इस सेशन में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ रहे हैं, जिसमें सीटेट और टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखना है तो लास्ट तक देखिए, और सीखना है तो आज ही सीखिए, ताकि आपका सीटेट जो है फाइट हो जाएगा, और साथ में टेट का भी, जो स्टेट लेवल पे जो भी टेट का एग्जाम होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो आज सेशन है, ऐसा सेशन है दोस्तों। मैं स्टार्टिंग से लेके अंत तक चलूंगा, और इसमें देखना है तो लास्ट तक देखे, और सीखना है तो आज से सीखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो पिछले वीडियो आप देखिए, सर्च कीजिए सी डेमो क्लास 5, आपको मिल जाएगा। वहां पे मैं बताया हूँ दोस्तों, वहां पे मैं बताया हूँ कि वहां जो मैं बताया हूँ कि लास्ट जो हम लोग किए थे कि साइकोलॉजी शब्द, जो साइकोलॉजी शब्द का सबसे फर्स्ट में 1590 ईस्वी में, जो 1590 ईस्वी में जो रुडॉल्फ क्या था रुडॉल्फ जो रुडॉल्फ जो था मानव वैज्ञानिक था, रुडॉल्फ और गोइकले ने ये शब्द को दिया था। किस शब्द को? साइकोलॉजी को, मीन्स साइकोलॉजी मीन्स मानव विज्ञान। तो हम लोग वहां देख लिए थे, और पूरे विस्तृत ढंग से, विस्तृत व्यापक रूप से मीन्स व्यापक तरीके से वो एक्सप्लेन किया था, जो वो अपना बुक लिखा था, उस बुक में जो एक्सप्लेन किया था साइकोलॉजी शब्द का सबसे ज्यादा, और वहीं से विस्तृत रूप से या विस्तृत व्याख्या या प्रचलन में आया, जो लिखा था, जो एफ एम था, एम एफ जो था लंचे, एम एफ लंचे ने इस साइकोलॉजी शब्द का, इस शब्द का, मानव विज्ञान शब्द का जो इन्होंने सबसे ज्यादा यूज किया था, जो प्रयोग में लाया था, प्रयोग भौतिकवाद का इतिहास में इन्होंने पूरा काफी वर्ड वहां पे डिस्क्राइब किया, वर्णन किया था साइकोलॉजी वर्ड्स का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी शब्द का कहाँ से मीन्स पता चलता है। आज पढ़ेंगे साइकोलॉजी का अर्थ। साइकोलॉजी का अर्थ जो है दोस्तों, साइकोलॉजी का अर्थ जो है एक गैरिट जो था, एक गैरिट के अनुसार इस साइकोलॉजी शब्द का, एक गैरिट के अनुसार बोला, साइकोलॉजी मीन्स मानव विज्ञान मीन्स साइकोलॉजी शब्द जो है वो शब्द कहाँ से आया है। तो उन्होंने बताया कि एक लैटिन मीन्स लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है जो साइकोलॉजी है। और लैटिन भाषा क्या था दोस्तों? लैटिन भाषा एक था मीन्स जो लैटिन भाषा साइकी था, फर्स्ट जो भाषा था साइकी, और दूसरा भाषा था लोगस। ये दोनों मिलकर साइकोलॉजी का निर्माण हुआ, साइकोलॉजी बना। वो शब्द जो आया था लैटिन भाषा से था, और साइकोलॉजी जो मीन्स साइकी का अर्थ है, साइकी का जो अर्थ है दोस्तों, साइकी का जो अर्थ है उसका अर्थ है आत्मा, साइकी का अर्थ है आत्मा, और लोगस का अर्थ है, लोगस जो शब्द है उसका मतलब अध्ययन करना, मतलब अध्ययन, जिसको हम किसी भी सब्जेक्ट को, आप सुने होंगे, किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसको पेडागोजी बोलते हैं, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे मीन्स जिस विषय का विज्ञान, जिस विषय का पढ़ते हैं तो उस लास्ट में ज्ञान होता है, विज्ञान। तो यहाँ पे साइकोलॉजी शब्द साइकी प्लस
लोगस दो वर्ड मिलकर साइकोलॉजी का निर्माण करता है और साइकोलॉजी बनता है, साइकोलॉजी शब्द होता है, जिसमें जो साइकी का मतलब आत्मा बताया गया, आत्मा होता है, और जो लोगस का मतलब विज्ञान, ठीक है, विज्ञान। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि विज्ञान मतलब, विज्ञान का मतलब अध्ययन करना, लोगस का मतलब रियल वास्तविक अर्थ है अध्ययन करना। तो फर्स्ट पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि आत्मा आया तो आत्मा का विज्ञान बोला गया, कि आत्मा का विज्ञान कब से स्वीकार किया गया, आत्मा का विज्ञान कब से स्वीकार किया गया। तो जो स्वीकार करने वाले लोग थे, मीन साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक जो थे, वो मीन्स कब हुआ था, तो 16 शताब्दी में, 16 मीन्स 16वीं शताब्दी में इसको मानने वाले, 16 शताब्दी में हुआ। और 16 शताब्दी में मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक जो थे वो प्लूटो थे, अरस्तु थे और डेकार्ट थे। इन्होंने इन्होंने ये आत्मा का विज्ञान स्वीकार किया। लेकिन जो इसके अतिरिक्त मानव विज्ञान वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने इस परिभाषा का बोला साइकोलॉजी किया है, तो बोला गया आत्मा का विज्ञान है, ये तीनों ने दिया। लेकिन दूसरे और साइकोलॉजिस्ट जो थे, मीन्स मनोवैज्ञानिक जो थे, उन्होंने अस्वीकार कर लिया, मीन्स अस्वीकार किया गया, जिसको माना नहीं गया। तब क्या हुआ दोस्तों, कि उस परिभाषा को अस्वीकार किया गया। क्यों किया गया, तो क्यों किया गया, उसके अतिरिक्त जो मनोवैज्ञानिक जो थे, उन्होंने उन्होंने क्वेश्चन उठाया और उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। ये तीनों कौन, अरस्तु, अरस्तु मीन्स अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया और डेकार्ट हो गया। इन्होंने तीनों लोगों ने जब क्वेश्चन पूछा गया कि आत्मा का विज्ञान क्यों मानते हैं, तो पूछा गया कि आत्मा का रंग कैसा है, आत्मा का रंग कैसा है, आत्मा कहाँ रहती है, और कैसा इसका मीन्स कैसा कैसी कैसे दिखती है, ये सारे क्वेश्चन, आत्मा कैसा है, ये सारे क्वेश्चन जो पूछा गया, तभी इन तीनों मनोवैज्ञानिक प्रश्न का उत्तर देना असंभव रहा, तभी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट में यहाँ पे हम मैं सारे कुछ लिखे हुए, ये जो साइकोलॉजी का अर्थ है शब्द, और लैटिन भाषा से लिखा गया लिया गया, लैटिन भाषा दो शब्द से मिला है, साइकी प्लस लोगस दोनों शब्द मिलता है, तो साइकोलॉजी का निर्माण होता है। उसके बाद आत्मा, ये साइकी का मतलब है आत्मा, और लोगस का मतलब है अध्ययन करना, मीन्स विज्ञान को अध्ययन करना, मीन्स आत्मा को अध्ययन करने वालों को विज्ञान बोलते हैं। तो विज्ञान, तो आत्मा का जो विज्ञान कब स्वीकार किया गया, 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में कौन किया, किन्होंने, कौन कौन जो मानने वाले थे कि आत्मा का विज्ञान, तो उन्होंने मानने वाले कौन कौन थे, तो प्लेटो थे, अरस्तु थे, डेकार्ट थे। और इसका निष्कर्ष जो निकला, इस निष्कर्ष में पता चला, इसका परिभाषित में, कि अस्वीकार कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि आत्मा का रंग कैसा पूछा गया, आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा कैसा है, आत्मा किस प्रकार दिखता है, तभी ये तीनों मेन जो है मौन रह गए, मतलब अशांत रह गए। उसी के चलते इसका अस्वीकार माना गया, कि माँ आत्मा का जो विज्ञान है अस्वीकार माना गया। फिर आगे चलते हैं, आगे जो चलते हैं यहाँ पे दूसरा में, तो फिर किसको माना गया, 16 शताब्दी तो खत्म हो गई, आया आपका आपका जो है 17 सेंचुरी आया। कब आया, 17 मतलब 17वीं शताब्दी।
जब 17वीं शताब्दी आया, जब 17वीं शताब्दी आया, तो उस समय मानव वैज्ञानिक सब माने कि आत्मा मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी है मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, इन्होंने कहा। कब माना गया? तो 17वीं शताब्दी में इसको माना गया कि मन और मस्तिष्क का जो विज्ञान है वही साइकोलॉजी है। कौन कौन माने? तो इटली के जो थे पाइम्पी पाइम्पो पाइम्पोलॉजी पाइम्पो इटली के जो पाइम्पोलॉजी और थॉमस रीड ने ये दो वैज्ञानिक कहा कि ये जो है मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन लेकिन क्या हुआ, उसके अतिरिक्त जो मानवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा नहीं है तो क्यों है, अस्वीकार कर दिया गया। निष्कर्ष निकला कि अस्वीकार कर दिया गया, क्या मन और मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? तो मन का स्वरूप कैसा, क्वेश्चन पूछा गया कि मन का जो है स्वरूप कैसा है, मन का जो प्राकृति की निर्धारण कैसा है, ये दोनों जो है पैम्पोलॉजी और थॉमस रेड शांत रह गए, अस्वीकार कर दिया गया। फिर समय बीतते आया, समय आते आया, समय बीतते आया, तभी 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी आ गया, 18वीं शताब्दी आया, तो उस समय पूरे डार्क एज था, मतलब अंधा मीन्स अंधकार रह गया, अंधकार रह गया, इसके विषय में कोई चर्चा नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपका चेतन का विज्ञान कहने लगा। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट लोग थे, मीन्स मानव वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने माना कि साइकोलॉजी जो है चेतन का विज्ञान है। क्या है? चेतन का विज्ञान है। और वो चेतन का विज्ञान है जो कब माना गया? तो 19 मतलब 19वीं शताब्दी में। कौन कौन इसको स्वीकार किया? तो उन्होंने जो नाम था विलियम जेम्स, जेम्स साली, वाइस्की, विलियम वुन, टिचनर, स्वीकार करने वाले लोग थे। इन्होंने ये सारे मानव वैज्ञानिक लोग स्वीकार किए थे कि चेतन का विज्ञान को ही साइकोलॉजी कहते हैं, मीन्स विज्ञान, चेतन का विज्ञान को ही साइकोलॉजी है। तभी निष्कर्ष निकला, यहाँ भी वही निष्कर्ष निकला दोस्तों, यहाँ भी अस्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त जो मानव वैज्ञानिक थे उन्होंने अस्वीकार कर लिया। क्यों अस्वीकार किया? तो उन्होंने कहा अगर आप चेतन मीन्स चेतन का विज्ञान मानते हो, तो चेतन मन को विज्ञान मानते हो, तो लेकिन अचेतन मन कहाँ गया? आप अचेतन मन को क्यों नहीं विज्ञान मानते हो? वो भी तो पार्ट है, वो भी तो हिस्सा है। तभी अस्वीकार कर दिया गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, हाँ यहाँ से आगे चलते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग कहाँ तक चल गए कि जब हम लोग 19वीं सेंचुरी तक मीन्स 19वीं शताब्दी तक हम लोग पहुंचे। उसके बाद जब 20वीं शताब्दी आया, जिस 20वीं शताब्दी आया मीन्स 19 शताब्दी के अंत के बाद 20वीं शताब्दी आया, तो उस समय जो बोला गया कि साइकोलॉजी है, मानव विज्ञान है जो व्यवहार का विज्ञान है। क्या कहा? व्यवहार का विज्ञान कहा। क्या कहा? व्यवहार का विज्ञान कहा। और जब व्यवहार का विज्ञान कब कहा गया? तो 20वीं सदी में, 20वीं शताब्दी में। और कौन कौन ये मानने वाले थे वो भी जानकारी, कौन कौन मानने वाले मानव वैज्ञानिक थे, तो कौन कौन थे, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, ये तीनों मानव वैज्ञानिक जो थे ये माने प्रतिपादक किए कि जो है व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। तभी इसका निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकला कि हाँ ये जो है स्वीकार कर ली गई और बोला गया हाँ ये जो है मीन्स व्यवहार का विज्ञान माना गया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है
कि व्यवहार का विज्ञान किन किन लोगों कौन कौन लोगों ने मीन्स कौन कौन मानव वैज्ञानिकों ने माना कि व्यवहार का विज्ञान है, साइकोलॉजी एक व्यवहार का विज्ञान है। तो हम लोग का ऑप्शन में दिया जाएगा वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, इसमें से एक को दिया जाएगा, बाकी नहीं रहेगा। तो हम लोग याद रहेगा कि व्यवहार का विज्ञान जो मानने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, ये तीनों लोग थे। और स्वीकार कर ली गए, क्यों स्वीकार किया गया, तो हाँ इन्होंने जवाब दिया, इन तीनों ने जवाब दिया कि हम लोग जो है क्या करते हैं, मनुष्य, हम लोग जो है मनुष्य और पशु मीन्स जानवर, मनुष्य और पशु के व्यवहार की अध्ययन करते हैं। इसीलिए वास्तविक में हम लोग जो अध्ययन किसको करते हैं, साइकोलॉजी में मनुष्य या पशु पक्षी मीन्स पशु मीन्स जानवर को हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसलिए स्वीकार कर लिया गया। और स्वीकार कब कर लिया गया, 20वीं सदी में मीन्स 20वीं शताब्दी में। उसके बाद अगर ये तीनों लोग ने कहा, एक को कहना था मिस वाटसन का जो कहना था, वाटसन बोला क्या, जो वाटसन का वाटसन जो कहा है ना, वाटसन को कहना था कि साइकोलॉजी में मीन्स मानव विज्ञान में हम व्यवहार के निश्चित विज्ञान को ही मानव विज्ञान कहते। मतलब निश्चित विज्ञान कब कहेंगे, जब व्यवहार का जो है स्टीव वाटसन को कहना था। हम शॉर्ट में लिखे हैं, की पॉइंट सिर्फ याद रखना कि व्यवहार साइकोलॉजी में व्यवहार का निश्चित विज्ञान को वाटसन कहा कि निश्चित विज्ञान ही साइकोलॉजी है। उसके बाद वाटसन कहा, उसके बाद वुडवर्थ जो कहना था, वुडवर्थ का क्या कहना था, वुड वुड जो वुडवर्थ को जो कहना था, उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी मानव विज्ञान में व्यक्ति की क्रियाओं के मानव वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, उसको हम मानव विज्ञान कहते हैं। तो वुडवर्थ को कहना था कि साइकोलॉजी में मानव विज्ञान में व्यक्ति की क्रियाओं, क्रिया क्या होता है, जैसे चलना, कूदना, दौड़ना, ये है सारी क्रिया जो मानव करते हैं या पशु करते हैं, उसके वैज्ञानिक अध्ययन को ही वुडवर्थ ने कहा कि मानव विज्ञान है। तीसरा जो आपको था, स्किनर को कहना था कि स्किनर क्या कहा कि मानव विज्ञान में सभी परिस्थितियों में किसी भी के बात करें, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, चाहे पशु के ही है ना, उसमें प्राणी की प्रक्रिया को अध्ययन करते हैं, उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, स्किनर के कहना था। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे अब, ये तो साबित हो गया, कहना क्या था, हम लोग किसको अध्ययन करते हैं, तो मीन्स व्यवहार को, क्या कहते हैं, व्यवहार का विज्ञान को ही साइकोलॉजी कहते हैं, मीन्स मनोविज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब इसका विकास किस तरह से होता है, मानव विज्ञान का जो विकास किस प्रकार हुआ उसको हम लोग सीखेंगे। मानव विज्ञान का जो विकास हम मीन्स मानव विज्ञान का जो विकास की यात्रा या यात्रा के धारणाएं जो है, वो सबसे पहले 1800 मीन्स 1889 ईस्वी में 1889 ईस्वी में क्या हुआ कि जर्मन में मीन्स जर्मन के एक जर्मन क्या था कि जर्म मीन्स जर्मन के लिपजिंग में मानव वैज्ञानिक जो थे विलियम वुड्स द्वारा पहली प्रयोगशाला की स्थापना की, प्रयोग का पहली पाठशाला का स्थापना की, जिन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें इधर ऊपर चलते हैं है ना, याद देखना। स्थापना तो की विलियम वुडवर्थ ने, विलियम वुड्स
ऊंट्स ने, ऊंट्स जो कि मीन्स ऊंट्स ने किया, तो वो जो है चेतना पर प्रयोग हुआ था। वो जो किया था प्रयोगशाला में, वो चेतना पर प्रयोग हुआ था, और उस प्रयोग का नाम रखा गया, उस प्रयोग का नाम क्या रखा गया कि साइकोलॉजी, मीन साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल प्रयोगशाला। तो चेतना पर सबसे पहले जो है, पहले जो सबसे पहले क्या हुआ था, जो पहले पहले चेतन पर, मीन्स चेतन, चेतन पर प्रयोग किया गया था, चेतन पर प्रयोग, चेतन पर प्रयोग हुआ था, और इस प्रयोग में, इस प्रयोग के अनुसार प्रयोग हुआ था, और इस प्रयोग को नाम रख दिया गया। इस प्रयोग का जो नाम रखा गया, क्या नाम था, इस प्रयोग का नाम रख दिया गया साइकोलॉजी, में साइकोलॉजिकल प्रयोगशाला, साइकोलॉजिकल, साइको, साइकोलॉजी कल प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला रख दिया गया, साइकोलॉजिकल प्रयोगशाला। और इन्होंने, विलियम ऊंट ने ऊंट को प्रयोगात्मक मानव विज्ञान का जनक था, जिसको हम ब्रांच में पढ़े थे, प्रयोगात्मक मानव विज्ञान का जनक कौन था, विलियम ऊंट ने था। ये एक दूसरा जो मानव विज्ञानिक वैज्ञानिक था, वो जो है मीन्स ये जो मानव वैज्ञानिक जो था, जो प्रयोगात्मक मानव विज्ञान का जनक था, प्रयोग आत्मक, प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक विज्ञान, विज्ञान की जनक पूछा जा सकता है। जनक कौन था, तो प्रयोगात्मक के मीन्स जनक विलियम ऊंट्स था। कौन था, विलियम ऊंट्स, अच्छा विलियम ऊंट्स था प्रयोगात्मक जनक। और अभी जो है जिसका साइकोलॉजिकल प्रयोगशाला का अभी मीन्स वर्तमान में, इसका इसका अभी वर्तमान में देखा जाए, अभी वर्तमान में जो है इसका क्या नाम है, कार्ल मार्क्स के, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय नाम दिया गया है, कार्ल मार्क्स, मार्क्स विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय नाम दिया गया है, नाम दिया गया है। समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो कमेंट करें यस या नो लिखकर, और साथ ही शेयर भी कर दे, ताकि और आपके दोस्त जो निंदा में सोए हुए हैं तो जग जाए, उसको जगा दे और बोल दे कि क्लास चल रही है, आप पढ़िए, मीन्स देखिए। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, इतना तक समझ में हो गया, और एक टॉपिक बात करते हैं और आज यहीं पे समाप्त करूंगा। अब उसके बाद ये तो यात्राएं चल रही, मीन्स धारणाएं, मतलब मानव विज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ, वो चीज हम लोग समझ रहे हैं। एक विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतन शब्द का निंदा की है। उन्होंने एक बुक लिखा अपने पुस्तक में, और उस पुस्तक में उन्होंने चेतना शब्द का इतना निंदा किया है, और उस चेतना शब्द के बदले में, मीन्स उसके जगह में, चेतना के जगह में, मीन्स चेतना के जगह में, चेतन के जगह में, चेतन के, मीन्स चेतन, चेतन के स्थान पर, चेतन के स्थान पर, चेतन के स्थान पर उन्होंने, वो स्थान पर उन्होंने अंतःकरण शब्द पर जोर दिया।
किस पर? अंतः कारण, है ना, अंतः कारण, करण, कारण, कारण, अंतःकरण पर, अंतःकरण शब्द पर जोर दिया विलियम मैकडूगल ने, विलियम मैकडूगल ने। तो दोस्तों आज इतना ही, हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट वाला रहेगा इससे आगे, और हम लोग पूरे डिफ पढ़ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो शेयर लाइक जरूर करें, व्हाट्सएप फेसबुक जहां भी है पूरे इंडिया में फैला दे। अगर आपको इच्छा यही है, जुनून है, जोश है कि सीटेट पास करना, साथ में ही टेट पास करना। तो दोस्तों इस ये जो बोले हैं उस पर आप लोगों से उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे, और जो न्यू व्यूअर है, जो न्यू देख रहे हैं, उन वो क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे करेंगे, और साथ में बेल घंटी को, बेल घंटी भी प्रेस कर देंगे, और प्रेस कर देंगे ताकि उसका लेटेस्ट लेटेस्ट न्यूज या लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। थैंक यू।